इसी फंक्शन में आगे चलते हैं, कुछ ग्राफ और है। आपका आता है नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहले कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, तो बेसिकली कोई भी फंक्शन आप देखिए, मान लो अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू k कोई फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। आप देखिए जितनी भी चीज़ें हमने पुरानी पढ़ी है, एसिम्प्टोट्स, ये वो फलाना ढिमाका, वो आप निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट में क्या होगा बेटा, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू k की लाइन है, मतलब ये जो फंक्शन होगा वो y इज इक्वल टू k का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो k होगी। तो अगर हमसे इसके लिए कोई डोमेन पूछे, बेसिकली मैं डोमेन की ही बात करूँगा, तो अगर इस फंक्शन की डोमेन की कोई बात करें, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो आपको कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करो वो सारे रियल नंबर्स को कवर करेगा। तो आप बोल सकते हो रियल नंबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट कवर हो रहा है उसको देख लो, तो यहाँ से यहाँ तक को कवर करने वाला सिर्फ क्या है, के है। तो इसमें इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी आपकी, तो आप बोलोगे इस फंक्शन के लिए सिर्फ आपकी एक रेंज है जिसका नाम दिया गया है k। तो कांस्टेंट में बहुत कुछ नहीं है आपका, सीधे सीधे इस फंक्शन का आप ग्राफ देख लो और इसमें रेंज और डोमेन क्या है वो देख लिया आपने, आपका काम हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है जरा उसको भी देखते हैं। लीनियर फंक्शन है ये होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मान लो ये कोई लाइन आपने ड्रॉ की, ये एक्स है, ये आपका वाई है, और इस फंक्शन में अगर हम लीनियर का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट आपका ए, ठीक है। अब ए की बात करोगे तो आपने बोला कि ये एक्स वाले पॉइंट पे तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो वहां पे उसको क्या किया, पुट कर दिया। तो y की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो तो ए एक्स प्लस बी आएगा, एक तरफ ले आया तो माइनस बी बाई ए, ये पॉइंट आया x, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो, ठीक। और कुछ कहीं यहाँ पे कटेगा, मान लो यहाँ पे वाला बेटा कट गया, यहाँ पे अगर कटा तो कोई पॉइंट बी दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव तो वो आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, x वाला पार्ट जीरो होगा, तो अगर x वाला पार्ट जीरो है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो बोलोगे हाँ इसकी वैल्यू जीरो कॉमा बी है, पॉजिटिव नेगेटिव को आप देख लें उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स की वैल्यू अगर नीचे होगा तो नेगेटिव आएगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव। मैं लिख रहा हूँ कि जीरो कॉमा बी लिखा, बी की वैल्यू आप देख सकते हो, तो ए की जो वैल्यू वो क्या होगी माइनस, ठीक है, और बी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बेटा, जीरो कॉमा बी, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स जीरो हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका, लीनियर फंक्शन, क्या लीनियर, बराबर। देख लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो रेंज और डोमेन भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकालना एक्सेस से निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर। यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल प्लस लिखा है, वो डिपेंड करेगा जिस कंडीशन में जाएगा उस कंडीशन के हिसाब से उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब बेटा आता है अगला जिसका नाम है, ये थोड़ा सा पढ़ा जाएगा, क्यों, क्वाड्रेटिक थोड़ा सा आपको ठीक से पढ़ना है। उसमें देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपने पढ़ रखा और 11th में भी पढ़ा रहा है, 10th में भी पढ़ा रहा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर लीनियर जैसा बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ रखा है, देखो अगर जो यहाँ का कोएफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है, क्या है, तो जो इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो अपवर्ड बनेगा, कहाँ बनेगा बेटा, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। अगर ए की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अगर वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब आपको बताता हूँ, तो ये ग्राफ जो होगा वो कहाँ बनेगा बेटा, डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अब कोई बोले यार लेस देन में नहीं पता, कोई बात नहीं, एक नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, वो आपका लेस देन होगा, मतलब जिसे ने मान लो कोई ऐसे ही दिया गया कि कोई एक एग्जांपल आपको ले लिया गया और बोला गया भाई ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, तो आप इसी से देख के बता सकते हो। आपको दिया गया मान लो 3x² + 2
ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ए बेटा क्या है, पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बेटा कहाँ बनेगा, अपवर्ड बनेगा। कहाँ बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या पॉइंट आएगा, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। फिर बेटा इसी में अगर दूसरा कोई बोल दिया कि यहाँ पे नेगेटिव कर दिया बेटा, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव करोगे तो ए क्या है बेटा, नेगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो होगा तो ये ग्राफ को आप क्या बोलोगे, डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, और ये कहाँ बनेगा आपका, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक। अच्छा ये एक पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ये पॉइंट आपका क्या दे रखा है, सपोज करो डिस्क्रिमिनेंट तो सबने पढ़ा है, अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो है पहला, दूसरा अगर बेटा डी इक्वल टू जीरो है, तीसरा डी लेस देन जीरो है, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्राफ होगा वो दो जगह कट करेगा, ठीक है, यहाँ यहाँ, ठीक है। वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से यहाँ कट होगा, एक ये हो गया। d इज इक्वल टू जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक जगह कट होगा, ठीक है। अगर d लेस देन जीरो है मतलब इमेजिनरी रूट, तो वो ग्राफ ना तो इधर टच होगा और ना ही इधर टच होगा, ठीक है। ये तब होगा जब आप उसके डिस्क्रिमिनेंट पे जाओगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट से आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हो। अगर ये क्या होगा, इसको हम बोलते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब तो यही हुआ ना बेटा कि रियल और डिस्टिंक्ट की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ दो अलग अलग रूट। तो ये जो पार्ट आएंगे इसमें क्या होगा, दो अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। D इक्वल टू जीरो मतलब इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होगा कि हमारे रूट्स निकलेंगे तो ग्राफ उस एक्सिस से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और पढ़ो। अब देखिए अगर इसी में एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे दिया, मान लो पी ऑफ एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेंगे कि a, तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब कोई बोले इसके रूट्स निकालो तो फैक्टर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने ये पढ़ रखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन क्या होगा बेटा, टू ए हो गया, ठीक है। अगर ये टू ए हो गया तो इसके हिसाब से अगर देखें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, चार माइनस फोर इंटू थ्री इंटू वन अपॉन क्या होगा, टू इंटू थ्री, चले तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू प्लस ये आपका कितना हो गया, फोर माइनस सिक्सटीन, ठीक है, सॉरी बारह। और यहाँ पे अगर हम जाए तो ये सिक्स हो गए। रूट्स तो निकलेंगे बट वो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, अगर आपने इलेवन पढ़ रखा है अच्छे से तो रूट्स तो आप निकाल सकते हो। रूट्स कैसे निकलेंगे बेटा, देखो रूट्स जो होंगे उसके हिसाब से x की बात करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू प्लस माइनस माइनस एट अपॉन सिक्स, ठीक है। अगर i माइनस है तो इसके माइनस को i स्क्वायर है तो i बाहर कर लिया और ये एट हो गया क्योंकि माइनस वन को हम लिखते हैं i स्क्वायर, i स्क्वायर बाहर आ गया तो i हो गया। तो यहाँ पे दो रूट्स निकलेंगे, एक को नाम दे दिया अल्फा और एक को नाम दे दिया बीटा। अल्फा में क्या लिया बेटा, पॉजिटिव वैल्यू और इसके अंदर क्या लिया आपने, नेगेटिव वैल्यू लिया। तो ये आपके रूट्स निकालने के तरीके हो गए कि अगर x की वैल्यू निकाले तो दो वैल्यूज आ गई, एक अल्फा को काउंट करेंगे और एक क्या होगा आपका बीटा काउंट होगा, ठीक। इसमें आई थिंक कोई समस्या नहीं किसी को रूट्स निकालने में, रूट्स निकालना सबने बचपन से सीखा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा आता है वर्टेक्स, क्या बेटा वर्टेक्स को हम बी से डिनोट करते हैं। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं बेटा उनको निकालने का तरीका ये होता है, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर। तो ये तो हमें पता ही है, बहुत जगह काम आएगा अगर हम रेंज और डोमेन निकालना तो इससे भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, आगे मैंने बहुत लिया हुआ है तो अभी फिलहाल ये देखो कि इसके वर्टेक्स की बात करोगे तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए बराबर। अब कैसे इसका यूज करेंगे, देखो यार मान लो
कोई हमें फंक्शन दे रखा है, कोई मान लो जैसे p of x is equal to minus 3 by 2 5x plus 1, ठीक बराबर। अभी सबसे पहले क्या है कि अगर मुझे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने, तो वर्टेक्स के निकालने के लिए आपको क्या देखना होगा, b। तो ये अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू अगर देखा जाए तो 5 है, और c कितना है 1 बटा, ठीक है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, -p प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो निकालना पड़ेगा। या आप बोलो कि d अगर निकालना है तो चलो d ऐसे निकालते हैं, सॉरी d आप ये निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d निकाला तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू 1, तो टोटल क्या होगा बेटा 25 प्लस 12, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इससे मिला क्या अल्टीमेट, अल्टीमेट मुझे ये मिला कि जो वैल्यूज आ रही है डी की वो कुछ 37 आ रही है, ठीक है, ये हो गया डी की वैल्यू। अब वर्टेक्स अगर निकालना है तो बेटा क्या है, माइनस डी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। अब बी की वैल्यू कितनी है, तो हमने बोला 5 है, तो माइनस लगा होगा तो -5 हो गया, फिर क्या बेटा -3। डी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 37 निकाली, तो ये माइनस हो गया 4 इंटू माइनस ऑफ 3, चलेगा। तो वर्टेक्स क्या हो गया, -5 -6 37 -12 बराबर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये इससे कटेगा, तो 5 बाई 6 37 बाई 12 ये होगा। अब देखो अगर आप बोले कि यार वर्टेक्स पता चल गया तो इसका ग्राफ, तो हम पहले ए पे है, ए क्या है बेटा, आप बोलो कि ए तो है लेस देन 0, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड बना तो सबसे पहले हम वर्टेक्स पे जाते हैं, वर्टेक्स के पॉइंट क्या है बेटा, तो आपने बोला वर्टेक्स के जो पॉइंट है वो 5 बाई 6 है, मतलब वो कहाँ पे आएंगे, तो आप बोलोगे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो 5 बाई 6 दोनों पॉजिटिव कहाँ आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वर्टेक्स हो गया। मतलब जो ग्राफ के जो ये वाला पॉइंट है, मतलब ये जो पार्ट है आपका, आपको बोले वर्टेक्स क्या होता है तो जरा समझना, ये आपने कोई ग्राफ बनाया, ये आपको कौन सा ग्राफ बेटा, क्वाड्रेटिक, कितने रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर देखा जाएगा तो क्या आएगा बेटा, आप इसके रूट्स निकालोगे तो दो रूट्स आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे दो जगह ये कट होगा। अब कोई बोले यार कि वर्टेक्स क्या है, तो जो आप ग्राफ क्वाड्रेटिक का बनाते हो चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक है, तो वर्टेक्स के पॉइंट आपके ये होंगे, ठीक है। अगर वर्टेक्स आपको डिसाइड हो गए तो ग्राफ आपने खींच लिया। अब ये देखना है कि ये सी की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 1 है, 1 सी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं क्या होगा, कट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लेंगे बाद की बात है, तो वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, कट होगा, ठीक है। तो ये जो आया वो क्या है, आपने वर्टेक्स के पॉइंट निकाले, आपने ये देख लिया कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ए नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, और उसके वर्टेक्स के पॉइंट आपने निकाले। वर्टेक्स क्या होता है बेटा, ये वाली कंडीशन, मतलब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि वर्टेक्स के पॉइंट से और ए की वैल्यू से हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, इसी में अगर मैं एक एग्जांपल और कोई भी ऐसे ही, तो उसके भी हमें क्या निकालना है, देखो उसमें क्या क्या करो, वर्टेक्स भी निकालो, ग्राफ किधर से बन रहा वो भी निकालो, और अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन कोई लेता है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैंने ले लिया तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो हमने क्या किया, a इज ग्रेटर देन 0, ये तो फिक्स हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि इसमें जो ग्राफ बनेगा क्या वो x एक्सिस को या y एक्सिस को कट करेगा कहीं पे, या इसके ये क्या होगा डिस्टिंग रूट्स होंगे या क्या होंगे, ये सारी चीजें हम उस ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो आपको याद रखना है,
ठीक है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 2 है। अब वर्टेक्स अगर निकालने जा रहे हो तो वर्टेक्स निकालने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, बराबर। अब बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू 2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, अगर हम देखें तो ये हो गया 16 और ये कितना हो गया, अगर मैंने देखा तो माइनस, ठीक है, 24। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये माइनस 8 आएगा, ठीक। अब वर्टेक्स के अगर पॉइंट निकालने तो बी की वैल्यू आपको पता है 4 है, 2 ए 3 है आपका बेटा, फिर क्या है याद हो सकते हैं, डी कितना निकाला आपने, माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 4 इंटू 3 सॉल्व कर लिया तो ये कितना आएगा, माइनस 2 बाई 3, ये कट गया प्लस हो जाएगा, कट कर दिया आपने तो 2 बाई 3 आ गया, सही। अब क्या हुआ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आपने बोला है कि तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस 2 बाई 3 कॉमा 2 बाई 3, यही हो। अब यहां से फिर क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से और ये भी डिसाइड है कि ये ग्रेटर देन है, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, तो अपवर्ड बना लेते हैं। मान लो ये अपवर्ड ग्राफ बनाया आपने, ठीक है, यहां पे गए कुछ अपवर्ड ही बना, इसको अगर हम ज्वाइन करें बेटा, इसको अगर हम ज्वाइन करें जो दूसरा मेरे पास पार्ट है उसको अगर हम ज्वाइन करने जाते हैं तो ये वो कुछ ये ऐसा है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है, 2/3, ये क्या है आपकी माइनस 2/3, ठीक। अब C की बात कर लेते हैं, C क्या है बेटा, 2 है, तो C अगर जब भी कटेगा या तो ऊपर कट होगा या तो नीचे कट होगा, अगर ऊपर कट हो रहा है तो 0, 2, अगर नीचे कट हो रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा 0, -2, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, अपवर्ड बना, पॉइंट ऑफ इंटर ये जो है ये वर्टेक्स के पॉइंट है, मतलब यहीं से आपका ग्राफ क्या हो रहा है, घूम रहा है, और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, सी होगा, वो अपर भी हो सकता होगा बेटा, लोअर भी हो सकता है। एक चीज अगर चाहो तो ऐसे नोट्स में लिख सकते हो आप कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के लिए कोई भी विल बी 0, C, या ऐसे बोल सकते हो कि अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब चाहे वो ऊपर बने बेटा ये वाला, चाहे वो नीचे बने, तो हम 0, C बोलेंगे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव तो अपने आप पता चल जाएगा कि अगर नेगेटिव है तो कहाँ आएगा और पॉजिटिव है तो कहाँ आएगा, या आप वर्टेक्स से अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अपने आप पता चलेगा कि ये ऊपर कट हो रहा है या नीचे कट हो रहा है। अगर ऊपर कट हो रहा है तो आप पॉजिटिव ले सकते हो और नीचे कट होगा तो आपका क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ कर लो विथ एक्स एक्सिस, तो ये ध्यान रखना कि 0, C होगा, ठीक। चलिए एक चीज में और आती है बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो, मतलब ये आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ किया और ये भी आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो हमेशा एक्स एक्सिस की आएगी, चाहे वो इधर से हो चाहे वो इधर हो। अब ये पॉइंट आपके क्या होते हैं बेटा, -b/2a, और ये पॉइंट आपका क्या होता है, -d/4a। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो हम बोलेंगे x = -b/2a, ये ध्यान रखना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके लिए भी अगर हम बात करोगे तो -b/2a होगा, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई भी आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर आपसे लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यही होगा, ठीक। चलिए ये भी हो गया आपको। अब देखो जरा, अगर रैंडमली कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो, आपने 11th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो थोड़ा मैंने उसको रिवाइज किया आपको और चीज़ें मैंने बताई कि वर्टेक्स के पॉइंट क्या होते हैं और ग्राफ को ऊपर नीचे आप कैसे देख सकते हैं, वो चीज़ बताई, ठीक। चलिए एक चीज़ इसी में अगर मैं कवर करूँ, मान लो मुझे कोई भी ऐसा छोटा सा ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया, इसका छोटा सा आपको ग्राफ दे दिया, तो उस ग्राफ में अगर मान लो p(x) = ax² + bx + c, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है,
सपोज करो ऐसा बना, ठीक है। मुझे इसमें क्या क्या बताना है, मुझे इसमें ये बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर यहां पे देखो तो ग्राफ नीचे बना है, जरा ध्यान देना। इस पॉइंट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो क्या होगा, या वर्टेक्स से पॉइंट क्या होगा, माइनस ये होंगे। अब इसमें मुझे क्या बताना है कि ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू जरा समझ, ये यहां पे कहीं ना कहीं कट हुआ होगा तो यहां पे सी के पॉइंट लिखे। तो आप जरा समझो, अगर हमने पॉइंट निकाल लेते, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये ग्राफ क्या है, तो ये ग्राफ डाउनवर्ड है, इसका मतलब जो ए आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, समझ में। ए जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा। अब बात आती है बी की, या चलो बी की आगे अब पहले सी की देख लेते हैं। सी आपका क्या है बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पे कहीं कट हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे नीचे है, इसका मतलब जो ये वाला पार्ट होगा नीचे मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी क्या होगा सी लेस देन जीरो हो गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बात समझ लो नीचे है वाई एक्सिस के नीचे। चलो दूसरा पॉइंट होगा, अभी तीसरे में जाते हैं बेटा। अब मुझे ये बताना है कि बी क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट माइनस बी बाई टू है लाइन ऑफ सिमेट्री, वो क्या होगा अगर वो एक्स एक्सिस में है, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है इधर, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस बी बाई टू ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि इनको इन दोनों को तो आप ओरल देख के बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे कि जब लाइन ऑफ सिमेट्री आपने देखा कि माइनस बी बाई टू ए है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब इसकी सारी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। फिर हमें ये पहले से डिसाइडेड है कि ए जो है वो नेगेटिव है, लेस देन मतलब नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो बी की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमारी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज ना हो। तो अगर आपने ये बोल दिया कि ये माइनस बी है, ये टू है, ए की वैल्यू तो हमारी फिक्स है कि वो नेगेटिव देगा ही देगा, और यहाँ पे आपका क्या है ग्रेटर देन जीरो है। अगर सपोज करो कि हमने बोल दिया कि जो मेरा बी है वो नेगेटिव है, क्या है सपोज करो, अगर वो बी नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ बी आएगा, माइनस टू ए आएगा, माइनस से माइनस तो कट गया, माइनस बी बाई टू ए, तो क्या ये कंडीशन सही होगी, तो आप बोलोगे नहीं यार यहाँ पे इनइक्वालिटी गलत होगी क्योंकि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो थोड़ी ना होगा। तो क्या कहें, देखो ये तो हमारा फिक्स है कि ए नेगेटिव है और ये भी हमें फिक्स है कि ये हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये लेना पड़ेगा कि अगर बी की वैल्यू प्लस आ गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको कट कर दोगे, कट करने के बाद क्या है बी बाई टू ए है, ये कंडीशन सही। इसका मतलब इस पूरे से क्या निकला, इससे ये डिस्कस निकला कि जो बी होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, जो बी होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। एक चलो एक और कर लेते हैं, जरा समझिएगा। अगर मान लो इसी में मुझे मान लो ऐसे कोई इक्वेशन दे, यही इक्वेशन और इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ए की बात करें, तो ए की बात तो आप तुरंत का तुरंत बोल दोगे कि अपवर्ड बना है, इसलिए इसके ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। फिर हम बात करें सी की, तो सी बेटा कहाँ, यहाँ पे कट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सी भी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक। अच्छा लाइन, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमें पता चल गया कि यहाँ जो वैल्यू है माइनस बी बाई टू है, ठीक है। अच्छा माइनस बी बाई टू है, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो आप ये देखो, अगर वैल्यू इधर है तो इसका मतलब माइनस बी बाई टू है क्या होगा आपका, लेस देन जीरो होगा क्योंकि नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्स की सिमेट्री हम इसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा एक्स की होती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा लेस देन जीरो आएगी। अब फिर से चेक करते हैं बी क्या होगा, सब ये पहले से डिसाइडेड है कि ए मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको आई थिंक ये आइडिया लग गया होगा कि अगर यहाँ बी को माइनस रखें, बी को अगर माइनस रखें तो बी को अगर हम माइनस रखते हैं मान लो, और हमें ये पता है कि ये प्लस आएगा, तो आपका क्या हो गया ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, समझ रहे हो, अगर ये प्लस हो गया तो ये कंडीशन क्या सही होगी, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया क्या ये सही होगी, तो हम बोलेंगे नहीं यार ये तो सही नहीं। अच्छा
अगर मैं मान लो सपोज करूं बी की जगह पॉजिटिव ले लेता हूं, तो आप बोलोगे कि बी की जगह अगर पॉजिटिव लोगे तो यहां पे रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, और नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये सही है, तो आपका यहां पे भी क्या होगा, बी आपका पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ हमारी चीजें हैं, क्वाड्रेटिक के बहुत सारे ग्राफ्स होंगे जिसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे, वो हम डायरेक्टली इन चीजों को कर सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा ले लेते हैं लास्ट एग्जांपल, मान लो y is equal to कहीं लिखा है x square minus 3, ठीक है, minus 9 sorry, तो यहाँ पे a देखा तो a तो पॉजिटिव है, ठीक है, अब इसके रूट्स निकाल ले बेटा, तो इक्वल टू जीरो x plus 3 और x minus 3 is equal to zero, मतलब x की वैल्यू एक माइनस 3 आएगी और एक 3 आएगी। अब इसको अगर देखें कि यार ये ग्राफ, तो हमने बोला अपवर्ड है, x की वैल्यू क्या है, एक तो माइनस 3 है और एक आपकी क्या है 3 है, तो इसका ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हो वो भी निकाल सकते हो, आप किसी के भी पॉइंट निकाल सकते हो। वर्टेक्स अगर निकालोगे, मान लो कि ये वर्टेक्स हमारा कहाँ पे है तो देखेंगे, ठीक है, तो वर्टेक्स अगर हमें निकालना है सपोज करो, तो मान लिया ये माइनस बी बाई टू ए है और ये माइनस डी बाई फोर ए है, समझ आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या बेटा वाई एक्सिस है, तो आप बी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो बी का पार्ट तो जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ए है और सी है, तो ये तो खत्म हो गया। अब d पे पहुंचते हैं तो d की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो b है ही नहीं तो b तो जीरो है, माइनस फोर ए कितना है 1 और माइनस 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई प्लस का 36, तो पॉजिटिव 36। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये ग्राफ कहां से कटा होगा, जैसे अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इतने हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 36, जीरो कॉमन 36, मतलब जो एक्सेस होगा वो कहीं यहां से कट होगा, माइनस 3 तो आ गया। तो इससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ग्राफ तो आप देख सकते हो कहां से, उसके वर्टेक्स के आप क्या कर सकते हो पॉइंट निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी कि वर्टेक्स के पॉइंट क्या होने वाले हैं। और क्या एक चीज और है कि ये आई थिंक समझ गए होगे, अब ये जो बताएगा उससे क्या बताएगा कि ये जो ग्राफ है वो कहीं यहां से शिफ्ट हो रहा है, मैंने तो ऐसे रैंडम बता दी, आप उसके वर्टेक्स के पॉइंट से बता सकते हो कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। एक चीज और है कि इस ग्राफ में, मतलब कोई भी ग्राफ हो क्वाड्रेटिक का, तो जैसे ये बना है सपोज करो ये ग्राफ आपका एक क्वाड्रेटिक का बन गया, ये वैल्यू आपको मान लिया 4 है और ये मान लिया 3 है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली वो हमेशा मिड आएगा, मिड मतलब 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बेटा 7/2, मतलब ये 3.5 है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर हमें बीच की वैल्यू निकालनी है तो दोनों वैल्यूज का टोटल, और उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आएगी वो मिड आएगी। तो ये जो कंडीशन अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आपका क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट और लीनियर फंक्शन की बात की है, ठीक है। क्वाड्रेटिक थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसकी बहुत आगे तक हम बहुत ज़रूरत करेंगे। मेन चीज़ ये भी ध्यान रखना कि इनके वर्टेक्स के पॉइंट क्या है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ग्राफ कैसे बनेगा, वर्टेक्स के पॉइंट क्या होंगे, अगर कोई भी ग्राफ दे दिया गया तो ए बी सी की वैल्यू पूछे तो आप निकाल दो, ठीक है। आई होप कि आपको